जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के 6 जिलों में गव्य गोष्ठी का आयोजन, स्वच्छ दूध उत्पादन और थनेला रोग नियंत्रण विषय पर हुआ कार्यशाला का आयोजन, पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए पूसा ज्योति। और अब समाचार विस्तार से। प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान गव्य विकास निदेशालय द्वारा झारखंड के 6 जिलों में ग्रामीण स्तर पर गव्य गोष्ठी सह पशु उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला शामिल हैं। दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम से जुड़े पशुपालक इस गोष्ठी में भाग लेकर अपने पशुओं के रखरखाव एवं दुग्ध उत्पादन संबंधी नवीन तकनीक की जानकारी से लाभ उठा सकते हैं। यह कार्यक्रम 12 जनवरी से 31 जनवरी 2015 तक चलेगा। बीते दिनों रांची में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और थनैला रोग नियंत्रण विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान गव्य विकास निदेशालय के सौजन्य से और झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ लिमिटेड के सहयोग से आयोजित हुआ। गव्य विकास निदेशालय के निदेशक डॉ. आलोक कुमार पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान डॉ. पांडे ने अपने संबोधन में कहा, आज का जो कार्यशाला है उसमें मुख्यतः हम लोग स्वच्छ दूध उत्पादन और थनैला के रोकथाम पर बात करने के लिए आज का जो विषय वस्तु है। किसान भाई, आप अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और दीर्घकालिक बनाने के लिए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करें, इसके लिए किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, आइए इस विषय पर जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। पोषक तत्व की जो मात्रा डालनी चाहिए वो 50 केजी नेत्रजन, 60 केजी फास्फेट और 60 केजी पोटाश। तो 50 केजी नेत्रजन के लिए किसान भाई करीब करीब 100 केजी यूरिया डालनी पड़ेगी, जिसकी आधी मात्रा 50 केजी लगाने के टाइम में और 50 केजी एक महीने के बाद डालनी चाहिए। और 60 केजी फास्फेट के लिए अगर SSP डालेंगे तो 300 केजी SSP लगेगी और 60 केजी पोटाश के लिए 100 केजी पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य के किसान यदि पालक साग की खेती करना चाहते हैं तो फरवरी तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, देसी या पूसा माधवी नामक उन्नत प्रभेद का चुनाव करें। पालक साग की खेती के लिए छोटी छोटी क्यारी बनाकर बुआई करें। बुआई में 20 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी जरूर रखें। इन बातों पर अमल करते हुए अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, देसी या पूसी माधवी लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फुट स्प्रेयर ऐसा कृषि उपकरण है जिससे दवा छिड़कने के लिए पैर से दबाकर पंप किया जाता है। किसान इसका उपयोग खेतों, फुलवारियों और बगीचों में कर सकते हैं। इस उपकरण से करीब 4 से 6 मीटर लंबे पेड़ पौधे पर दवा छिड़कने का काम किया जा सकता है। इसमें आवश्यकता अनुसार एक या दो निकास नली लगाई जा सकती है। आइए आज जानते हैं आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से होने वाली हानि के बारे में। यूरिया सूक्ष्म पोषक तत्व नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। किसान भाइयों, याद रखें, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल करने से जमीन में मौजूद पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा भी बढ़ जाती है और पर्यावरण दूषित होता है। इसलिए अपनी फसलों में आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग न करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3700 रुपए से 4400 रुपए, गेहूँ 1600 रुपए से 1800 रुपए, चना 3200 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 6500 रुपए से 6900 रुपए, दाल चना 3400 रुपए से 3600 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3000 रुपए से 3200 रुपए, आलू 950 रुपए से 1550 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में हमने देखा मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। तो जानकारियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, उसके पहले लेते हैं एक छोटा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का ढेर ढेर जोहार। दो बार जोहार हुआ। हाँ, हाँ, जोहार। और जानकारी हम लोग एक कोठो नहीं दिए अभी तक। जानकारी शुरू करने वाले हैं अभी। तो क्या क्या किस विषय पर आप जानकारी देंगे? आज गेहूं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। एकदम सही बात। देखिए किसान भाई बहन, अभी मौसम रबी का चल रहा है, आप गेहूं फसल लगाए हुए हैं, तो जो किसान गेहूं फसल की खेती कर रहे हैं, आप अपने फसल से ज्यादा उपज कैसे हासिल करेंगे? जाहिर सी बात है कि सिंचाई व्यवस्था और जो कहा जाता है, हम लोग बोल चाल में बोलते हैं, आप कुछ कहने जा रहे थे? सिंचाई व्यवस्था के साथ उसमें खाद, कौन सा खाद डालना है, कितना डालना है, इन सभी छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बात यही हम बोलने जा रहे थे कि हम लोग आम बोल चाल में बोलते हैं खाद पानी। बिल्कुल। काहे बोलते हैं? खाद और पानी दोनों का संयोग कैसे करें अपने गेहूं फसल में, किस समय कौन सा खाद कितनी मात्रा में दें और किस वक्त किस तरीके से हम पानी उपलब्ध कराएं यानी कि सिंचाई करें, आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। और कौन है हमारे विशेषज्ञ? और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सीएस सिंह। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय में आए हुए हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जो शस्य विभाग में है। आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे गेहूँ फसल में सिंचाई एवं उर्वरक की प्रबंधन। चलिए इसी विषय पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक को ये बताएं कि अभी की जो परिस्थिति है गेहूं की, इस समय क्या क्या सिंचाई व्यवस्था करनी होगी, कब कब और कितनी मात्रा में? झारखंड राज्य में सिंचाई की कमी होने के कारण रबी में किसान कोई फसल नहीं ले पाता है, लेकिन अगर किसान के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो वो गेहूँ की खेती कर सकता है। गेहूँ की खेती करने के लिए जो किसान भाई गेहूँ की खेत में लगा दिए हों, गेहूँ में 6 क्रांतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। पूरी उसकी अवधि के दौरान 6 क्रांतिक अवस्थाएं आती हैं, जिसमें पहली अवस्था 21 दिन पे क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं, वो बहुत क्रिटिकल अवस्था है। बहुत उस समय पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो 21 दिन पर आती है। दूसरी अवस्था है टिलिंग स्टेज, जो करीब 40 से 45 दिन पर आती है। उस समय भी
किसान भाइयों को पानी देने खेत में देना चाहिए, क्योंकि उससे टिलर में बढ़ोतरी होती है। 60 से 65 दिन पे किसान भाइयों को बूटिंग स्टेज होता है, उस समय तीसरा स्टेज है, उस समय भी ध्यान रखना चाहिए। 80 से 85 दिन के अवस्था पे फ्लावरिंग स्टेज में गेहूं की फसल आती है, और 105 दिन के अंतराल पे मिल्क स्टेज आता है, जिसमें दाना में दूध भरना चालू होता है, और करीब 125 दिन पे डफ स्टेज आता है। ये 6 क्रांतिक अवस्थाओं में गेहूं की फसल में पानी देना चाहिए। लेकिन अगर किसान भाइयों के पास अगर सिंचाई सुविधा पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, तो किसान भाई को जैसे अगर उनके पास एक सिंचाई केवल है, 21 दिन पे वो अवस्था आती है, एकदम 21 दिन पे उनको पानी दे देना चाहिए, पहला सिंचाई। दूसरा जो बताए हम, जैसे कि फ्लावरिंग, फ्लावरिंग मतलब उस समय फूल आता है, हाँ, उस समय उस अवस्था में वो करीब 80 से 85 दिन की अवस्था में आता है, तो उस समय उनको पानी देना चाहिए, दो अगर सिंचाई उनके पास है। अगर उनके पास 3 सिंचाई है, तो उनको किसान भाइयों को जो हम बताए 21 दिन पे दूसरी सिंचाई उनको करीब जो बूटिंग स्टेज है यानी कि 65 दिन पे, और तीसरी सिंचाई उनको करीब 105 दिन पे डफ स्टेज में, मिल्किंग स्टेज दाना में दूध भरना चालू होता है, उस समय उनको 105 दिन पे देना चाहिए। मतलब तो अगर मान लीजिए कि जब से अभी अभी जो हमारा फसल लगा हुआ है, इस स्थिति में कितने मात्रा में कब कब कितने दिन में अभी और देना पड़ेगा, अभी जो सिचुएशन है इस समय? अभी तो जैसे खेत में पानी बरसा हुआ है, तो अगर खेत में नमी विद्यमान है तब पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नमी की मात्रा में कमी हो रही है किसान भाइयों को, हाँ, तो उस समय उनको सिंचाई देना चाहिए। किसान भाइयों को बस ये याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी सारी क्रांतिक अवस्थाएं 20 दिन के अंतराल पे आती हैं, तो 20 दिन के अंतराल पे उनको ज़रूर पानी खेत में पटा देना चाहिए। उस समय खेत में अगर नमी की कमी होती है, तो उसमें उनकी उत्पादन में गिरावट आएगी। अच्छा, सिंचाई के साथ साथ खाद की आवश्यकता पड़ती है खेत में, तो सिंचाई के समय किस समय खाद डालेंगे और कितनी मात्रा में अभी के हिसाब से हमारे किसान भाई खाद डालेंगे? उनको अगर गेहूं की फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट की फसल में दिखाई दे रहा है कि सिम्टम माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, तो उसका चिलेटेड फॉर्म में भी आता है न्यूट्रिएंट, जैसे जिंक का आता है ना, मैग्नीज का आता है। गेहूं की फसल में जैसे है ना, वो देख के उनको सिम्टम उसका रहता है कि उस पत्ती में नज़र आता है, अगर उस तरह का सिम्टम दिखाई देगा, तो जैसे नाइट्रोजन की कमी में पत्ती नीचे की तरफ पीलापन आता है, लेकिन इन माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के कारण है ना, उत्पादन में बढ़ोतरी उतना नहीं होगी फसल में, फसल की बढ़ोतरी कम होगी है ना, सिम्टम उसका वही दिखाई देगा कि फसल की उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आप चाहे जितना नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास आप डाल देंगे, लेकिन अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, तो पौधे में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए उनको चाहिए कि मिट्टी की वो जांच करवा लें, अगर कमी है तो उसका फोलियर स्प्रे जरूर गेहूं की फसल में दें, उससे उनका कमी दूर होगा, उनका उत्पादन बढ़ेगा। और किसान भाइयों को गेहूं की फसल के लिए 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर तथा 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसान भाइयों ने देरी से गेहूं की फसल की बुआई की है दिसंबर के माह में, तो उनको चाहिए कि 25% खाद की मात्रा में बढ़ोतरी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले उसमें निकल सकें, और जो उत्पादन में जो गिरावट आती है देर से बुआई के कारण, वो कंपनसेट हो जाए और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे आमदनी प्राप्त हो। किसान भाइयों को जो भी नत्रजन की मात्रा है, उसकी 1/3 मात्रा बुआई के समय उनको डालनी चाहिए, तथा बची हुई स्फूर्त तथा पोटास की मात्रा पूरी की पूरी खेत में प्रयोग करनी चाहिए। जो बची हुई नत्रजन की मात्रा है, वो किसान भाइयों को जिस समय पहला मैंने बताया कि पहली सिंचाई करते हैं, उसके बाद क्राउन रिटिनिएशन स्टेज के समय, उस समय 1/3 मात्रा जो है उस नत्रजन की, वो उस समय प्रयोग करनी चाहिए, तथा बची हुई 1/3 मात्रा किसान भाइयों को टिलरिंग स्टेज यानी 40 से 45 दिन पे सिंचाई करने के बाद वो प्रयोग कर लेनी चाहिए। आजकल एक नया सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन भी आया हुआ है, तो किसान भाई अगर उस विधि द्वारा गेहूं की फसल की खेती कर रहे हैं, तो उसमें अगर खाद और सिंचाई का उनको प्रबंधन करना है, तो उसमें किसान भाइयों को जो 6 सिंचाई देनी है, वो 15 दिन, 25 दिन, 35 दिन, 65 दिन, 85 दिन और 105 दिन पे सिंचाई उनको देनी होती है, क्योंकि इसमें जो क्रांतिक अवस्थाएँ हैं,
चूँकि हम जर्मिनेटेड सीड का उपयोग करते हैं, जो हल्का सा जर्मिनेशन हो गया रहता है उसमें, तो क्रांतिक अवस्थाएँ थोड़ा उसमें पहले आ जाती हैं, तो इस अंतराल पे किसान भाइयों को सिंचाई का देना चाहिए। लेकिन जो खाद देना है वो किसान भाइयों को जितनी खाद मात्रा मैंने बताया 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुट तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा, वो किसान भाई इसमें भी प्रयोग करें, लेकिन उसकी मात्रा को एक तिहाई मात्रा को किसान भाई नत्रजन की मात्रा बुआई के समय दें, लेकिन दूसरी मात्रा 15 दिन पे सिंचाई के और 25 दिन पे जो दूसरी सिंचाई करनी है उस समय नत्रजन को न डालें, बल्कि 35वें दिन पे जब तीसरी सिंचाई कर रहे हैं तब सुई में बची हुई नत्रजन की मात्रा का प्रयोग करने पे उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। साहब, आपने हमारे किसान भाई को गेहूं की फसल के में खाद की मात्रा एवं सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से की जाए इसकी विशेष जानकारी हमारे किसान भाई को दी। इसे सुनकर हमारे किसान भाई काफ़ी लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, अच्छी सी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई जानकारी तो बहुत 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 अच्छी थी। हम खाली बोलें, लेकिन जो हमारे विशेषज्ञ बोलें, बताएं, समझाएं, ये हम भी देखें, सुने, जाने, समझें और आप भी। बिल्कुल, लेकिन मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया जानकारी। लेकिन मज़ा तब और आएगा जब हमारे किसान भाई बहन हमारे विशेषज्ञ की बात पे पूरी तरह से अमल करेंगे। देखिए, आप बार बार जो ऐसो आप ये बात बोलती हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हम इसलिए बोलते हैं कि पता है कि किसान भाई बहन अमल करते हैं, लेकिन कहीं कोई चूक ना हो जाए। अच्छा, मैंने आप बार बार कह रही हैं कि आप अमल करिए करिए करिए, और इस बात पर भी ध्यान दीजिए जो अभी हम आपको अभी एक छोटे से संदेश से देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं छोटा सा संदेश। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। क्या बात है, देखिए हमारे साथ पत्रकार बंधु कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। जोहार 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 जोहार। तो आज आप हमारे किसान भाई बहनों को किस चीज की जानकारी दिलाने वाले हैं? हम आज अपने किसान भाइयों को गर्मा अगात लतेदार सब्जी की खेती कैसे करें इसकी जानकारी देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जो किसान भाई हमारे गर्मा अगात लतेदार सब्जी की खेती कर रहे हैं, उनके लिए कुछ खास चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे उसकी खेती कैसे करें, उसमें प्रभेद की चुनाव कैसे करें, अगर हम अच्छा किस्म का चुनाव करेंगे। जाहिर सी बात है कि गर्मा अगात के लिए जो विशेष रूप से अनुशंसित प्रभेद हैं उनको चुनेंगे तो हमारा फसल अपने आप बहुत बढ़िया होगा। फसल अच्छी होगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो आमदनी भी अच्छी होगी, और यही हम लोगों की चाहत है। तो किसान भाई, जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। हमारे विशेषज्ञ हैं एके सिंह, तो आइए जानते हैं उनसे। आज के अंक में हम बात करेंगे लत्तेदार सब्जियों के बारे में, जो कद्दू वर्गीय सब्जियाँ हैं उनके बारे में, उनकी किस तरह से खेती करें, किस तरह देखभाल करें, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एके सिंह जी। सर, हम शुरुआत करते हैं लत्तेदार सब्जियों के बारे में, तो उसमें सबसे पहले तो हम भूमि का चयन या खेत जो है वो किस तरह से तैयार करें, किसान भाई इसके बारे में कुछ बताएं। इससे पहले मैं किसान भाइयों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियाँ हैं, जिनमें कि लतर वाली सब्जियों के नाम से भी जाना जाता है, इसमें मुख्य रूप से खीरा, करेला, नेनुआ, झिंगी, तरबूज भी इसी सब्जियों में आता है, लौकी, ये सब मुख्य सब्जियां हैं जो कि बेल वाली सब्जियों में आती हैं। प्रायः देखा जाता है कि इन सब्जियों की खेती के लिए बीज के अंकुरण के लिए गर्म मौसम का होना बहुत जरूरी है। तापक्रम कम से कम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने पे ही अंकुरण हो।
पाता है। और किसान भाई फरवरी या मार्च के महीने में कद्दू वर्गी या लतर वाली सब्जियों की बुआई करते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने अनुसंधान से पाया है अगर किसान भाई थोड़ी सी मेहनत और सावधानी रखें तो ये बेल वाली सब्जियों की अगाध खेती करके जो उत्पादन इनको डेढ़ महीने बाद मिलना है वो एक डेढ़ महीने पहले लेकर के कद्दू वर्गीय सबसे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ तक भूमि के चुनाव का संबंध है, ऐसी भूमि जिसमें कि जीवांशयुक्त खाद अच्छी मात्रा में हो, जीवांशयुक्त खाद की जब हम बात करते हैं उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद आती है, केचुआ की खाद होती है, कि जीवांश होने से ही जो भी हम रासायनिक उर्वरक देते हैं पौधों को ठीक ढंग से मिल पाता है। तो बलुई दोमट मिट्टी इन समूह की सब्जियों की खेती के लिए सब्जी अच्छी पाई गई है। अच्छी तरह से खेत की जुताई करते हैं, इसके बाद नाली बना करके दो से तीन मीटर की दूरी पे लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं और बीज की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। इस तरह से खेत की तैयारी करके ही बेल वाली सब्जियों की अगाध खेती की जाती है। मतलब डॉक्टर साहब आपने बताया कि किस तरह से जो है दूरी रखनी चाहिए, चूँकि ये फैलने वाले सब्जी हैं तो इनको जगह मिलनी चाहिए पूरे फैलने के लिए। सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने कद्दू खीरा और सारे फैलने वाले सब्जियों के बारे में बात करी, तो उसमें से कौन कौन से ऐसे बीज हैं या जो प्रभेद हैं इन सब में जिसको अभी लगाया जा सकता है? बहुत ही आवश्यक जानकारी है, क्योंकि उचित किस्मों का चुनाव करके ही इनसे फायदा कमा सकते हैं। तो हमारे अनुसंधान केंद्र से खीरा वर्गीय सब्जियों में से अगर हम खीरा की बात करते हैं तो स्वर्ण शीतल और स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णा, तीन उन्नतशील किस्मों का विकास हमारे केंद्र से हुआ है। इस तरह से अगर नेनुआ की बात करते हैं, स्वर्ण प्रभा एक बहुत ही अच्छी किस्म निकली है। झिंगी में स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार किस्म का विकास हम लोगों ने किया है। करेला में स्वर्ण हरित बहुत ही एक अच्छी किस्म हम लोगों ने निकाला है। इस तरह से अगर तरबूज की बात करते हैं, तरबूज भी अब हमारे झारखंड प्रदेश के किसान भाई करते हैं, तो अर्का मानिक किस्म का बीज हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसकी खेती किसान भाई करते हैं। कद्दू की बात अगर करें जिसे कोहड़ा भी कहते हैं किसान भाई, तो स्वर्ण अमृत एक बहुत ही अच्छी किस्म है, और लौकी में अर्का बहार एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो कि हम लोग करते हैं। और एक तो सतपुतिया एक नई उसी समूह की एक सब्जी, सतपुतिया काफ़ी प्रचलित किसान भाइयों के बीच हो रही है, स्वर्ण स्नेहा करके बहुत ही अच्छी किस्म सतपुतिया की भी हमारे पास है। तो ये सब प्रमुख उन्नतशील किस्में हमारे केंद्र पर उपलब्ध हैं। जो भी किसान भाई मेरी बात को सुन रहे होंगे केंद्र से आकर के इनका बीज प्राप्त करके अगाध खेती कर सकते हैं। वैसे अभी हम थोड़ा लेट भी हो चुके हैं, क्योंकि इसके लिए अगाध खेती के लिए हम लोग जैसे बात करेंगे अभी, तो सबसे पहले अगर हम अभी चाह रहे हैं तो प्लास्टिक की सुरंग उसमें हम लोगों बनाते हैं, जैसा हम देख रहे हैं खेत में खड़े हैं, इसमें प्लास्टिक का एक सुरंग होता है जिसमें बीज की बुआई हम लोग कर देते हैं, और इसमें बीज का अंकुर तापक्रम बढ़ता है जब, तो बीज का अंकुरण इन प्लास्टिक की सुरंगों में हो जाता है। और एक डेढ़ महीने के बाद जब हमारा पौधा करीब फरवरी के महीने में आते आते काफ़ी बड़ा हो जाता है, उस समय इन सुरंगों को हम हटा देते हैं और बाहर का तापक्रम भी काफ़ी अच्छा रहता है, गर्म रहता है, तो लतर का विकास आसानी से होता है। और इस तरह से लगाने के जैसे हम फरवरी में लगाते हैं तो करीब 70 दिन का जो इंतज़ार करना पड़ता है, इसमें जो किसान भाई अभी लगा देंगे तो एक डेढ़ महीना उनकी फसल लगातार आ जाएगी और अच्छा मुनाफा कमा पाए। सर एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस विधि से हम अगर खेती करते हैं किसान भाई तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ जाती है? जब हमारी फसल पहले आ जाती है तो जो बाज़ार भाव अगर 20 रुपये किलो का है तो उस समय पहले आने से 30 रुपये किलो का हो जाता है, तो जब बाज़ार भाव करीब डेढ़ गुना दो गुना अच्छा मिलेगा तो निश्चित रूप से जो आमदनी होती है किसान भाइयों की काफ़ी दुगुना हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग अगाध खेती या बेमौसमी खेती की जो भी बात करते हैं वो बेमौसमी अगाध में अपने उत्पाद को किसान भाई कितनी जल्दी बाज़ार में ला जाएं कि बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कम से कम हो, तो वहीं पे जाके हमको मुनाफा अच्छा मिले। सिंचाई की क्या व्यवस्था वो करें, किस तरह से करें? निश्चित रूप से पानी की काफ़ी समस्या है, केवल 10-15% के बीच का क्षेत्रफल हम सिंचित मानते हैं, तो हम लोगों ने टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करके किसान भाई बूंद बूंद सिंचाई करके इसे टपकन सिंचाई विधि से ही हम लोग सलाह दे रहे हैं, और हमारा पूरे फार्म पे हम लोग टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे किसान भाई प्रतिदिन आके यहाँ इस जानकारी को ले जा रहे हैं, तो टपकन सिंचाई विधि करने से कम पानी में अधिक उत्पादन मिलता है। जैसे अभी हमारी सरकार की भी योजना है कि एक बूंद पानी से अधिक उत्पादन कैसे मिल सके, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली कंसेप्ट बात चल रही है, तो हम तो टपकन सिंचाई विधि से ही सिंचाई करने किसान भाइयों को सलाह देते हैं और प्रशिक्षण भी उनको हम लोग दे रहे हैं। सीमित एक इसमें आता है कि इस तरह के फसलों में क्या कीट का भी प्रभाव होता है, उसमें किस तरह से वो देख? एक लाल रंग का कीड़ा आता है जो कि शुरू की अवस्था में पत्ती के रस को चूसता है, उसके रोकथाम के लिए मोनोकोटोफास दवा
1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के हम लोग छिड़काव करते हैं, और बाद में कुछ फफूंद जनित बीमारियां आती हैं जिनके लिए डाइथेनम 45 का प्रयोग हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या मैनकोजेब दवा आती है, या कवच एक दवा बड़ी अच्छी फफूंदनाशी दवा है, इन सब का प्रयोग करके 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं तो फफूंद जनित बीमारियाँ भी खत्म हो जाती है। देखा किसान भाई आपको किस तरह से डॉक्टर सिंह साहब ने विस्तार से बताया कि अगर जो लत्तेदार सब्जियाँ हैं, जो कद्दू वर्गीय या खीरा वगैरह की सब्जियाँ हैं, उसकी खेती किस तरह से करें, उसमें किस तरह से जल का प्रबंधन करें और बीजों का चुनाव करें। डॉक्टर साहब इस महत्वपूर्ण विषय पे इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान, हमको तो बहुत बढ़िया जानकारी लगा। जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारे विशेषज्ञ बंधु बताते हैं, एक से एक उम्दा जानकारी, और ये जानकारी भी बहुत बढ़िया। हमको लगता है कि अगर हमारा समय सीमित ना हो तो हम आपको जानकारी पे जानकारी देते रहें, लेकिन हम आपको जानकारी पे जानकारी देते रहेंगे, लेकिन आपको रोज इसी वक्त दूरदर्शन के सामने बैठना होगा और देखना होगा कृषि दर्शन। हम अगले अंक में आपसे फिर जुड़ें, उससे पहले हम आपसे आज्ञा लें, उससे भी पहले कागज कलम उठाइए, लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातपुर रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। निश्चित तौर पे किसान भाई बहनों, पता तो आपने नोट कर ही लिया है, लेकिन कृषि संबंधी किसी भी तरह की सुझाव लेना हो या जानकारी देनी हो, हमें खत अवश्य लिखिएगा। आप खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को और हमारे दोनों साथियों को भी दीजिए इजाजत। जोहार।